सड़क निर्माण की मांग को लेकर मनगवा तहसील के ग्राम टिकुरी निवासी लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सड़क निर्माण की मांग को लेकर पहुंचे ग्राम टिकुरी के लोगों का कहना है कि गग्गियों से टिकुरी पहुंच मार्ग पीडब्ल्यूडी के अधीन है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है। यहां से प्रतिदिन कई स्कूल बसों और ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। सड़क की हालत खराब होने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बारिश होने पर इसकी हालत और भी खराब हो जाती है। इस मार्ग में हमेशा खतरा बना रहता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इनका कहना है कि इस सड़क के निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी है। बुधवार को एक बार फिर टिकुरी ग्रामवासी काफ़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे और सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हमारे यहाँ गांव टिकुरी 37 में रोड बनाई थी, रोड बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2003 में जब मनगवा तहसील का उद्घाटन किया था, तब उस रोड के लिए भी उन्होंने नींव रखी थी कि ये रोड बनेगी। सन 2003 से आज सन 2018 हो गया है, आज तक हमारे यहाँ की जो रोड है उसमें एक मुट्ठी मुर्म भी नहीं पड़ी हुई है। और वो जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में दे दिया गया है। गांव वाले इतना प्रताड़ित हैं कि वो कहीं आ जा नहीं सकते। मतलब जैसे कि हम लोग बस्तर में रह रहे हैं, इस तरह हम लोगों का हाल है। अगर किसी गर्भवती स्त्री का प्रसव पीड़ा चालू हो जाए और उसको हमें ले जाना पड़े अस्पताल, तो हम जा नहीं सकते। हमारे गांव में लगभग 10 ऐसे प्रसव हैं जो गांव में ही करवाने पड़े। इतनी सुविधा होने के बावजूद, इतनी योजनाएं होने के बावजूद, हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ घर में ही करवानी पड़ रही हैं। हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया, हम उनको समय से अस्पताल नहीं ले जा पाए। अभी उनको बाद में हम उनको ले गए और उनका फिर इलाज चालू हुआ। मतलब स्कूल की बसें हैं, वो 2-3 बस तो गिर गई, मतलब गड्ढे में गिर गई हैं। उनको जब सभी किसानों ने, गांव वालों ने मिलकर उसको जिस तरह निकाला, मतलब बच्चों की जो जान है वो अधर में अटकी हुई है। हम माएँ अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजती हैं, ये हम ही जानते हैं कि हम किस तरह भेजते हैं।